यार बाबा मुझे जाने दो, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आप अपने सिपाहियों को हटा क्यों नहीं रहे हो? मुझे बाहर जाना है। बदतमीज, अपने बाप की इज्जत नहीं करता तू, हमने सभा बुलाई है, अब तुझे ये सभा लेनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मेरी बेइज्जती करने वाले हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई लायक का नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ। अगर मैं भाई की तरह बड़ा नहीं हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने इसमें क्या गलत कर दिया? अरे भैया, अरे मिस्टर कॉन्ग, देख लो आपके बेटे को, आपकी तो तनखी इज्जत ही नहीं करता। हमारा लड़का हम कोई से बोल देता ना तो भाई चार चमाट लगाते हम और सुधर जाता। हाँ, इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे मिस्टर कॉन्ग, तुम आपने भी मेरे बेटे को उल्टा सीधा बोला था भगा दोगे, लेकिन आज देखो मेरे बेटा काफी बड़ा हो गया है सिर्फ अपने दम पर, लेकिन आपका बेटा अभी भी छोटा ही है। हाँ बिल्कुल सही कहा बहन गौडजिला, इनका बच्चा अभी भी छोटका है, ये बनेंगे मुखिया। मिस्टर कॉन्ग, अपने बच्चे को बड़ा बनाइए, नहीं तो यहाँ से आप अपनी मुखिया के जितनी भी आपकी मतलब सदस्य है ना, उसको आपको हटाना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ मुझे क्या करना है काजू, ज्यादा तुम मेरे बीच में मत बोलो, नहीं तो याद रखना कि मैं कौन हूँ, यहाँ का राजा। अरे गुस्ताखी, माफ हो महाराज, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है, आपका लड़का इतना छोट की पिद्दी जितना। अरे पिलाओ कॉन्ग, प्लान पिलाओ लाओ, मतलब ऐसे थोड़ी नहीं काम होता। बेइज्जती कर रहे हैं मिस्टर काजू हम लोग की, क्या कर सकते, मेरे बेटे ने मेरी नाक कटा दी, अपने आप को बड़ा करने की उसके अंदर ताकत नहीं है। बाबा मैं क्या करूँ अगर मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ तो, इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक, अगर मैंने आपकी नाक कटा दी या फिर आपको मैंने समाज में इज्जत नहीं दिलाई तो आप मुझे एक काम करिए, आप मुझे निकाल दीजिए इस टापू से। बदतमीज, हिम्मत कैसे तेरे से बात करने के, ले जाओ इसको जेल मत डाल दो। जी सरदार, हम समझ गए, ले चलो इसे। यार क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, ठीक है भाई ले चलो। चलिए शहजाद है, ज्यादा दूर नहीं बचा है। हाँ चल रहे। वैसे ऐसे क्यों ही मेरे साथ होता है मुझे समझ में नहीं आता, अब मेरी इसमें गलती नहीं है, आप खुद जानते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन आपके पिताजी को वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे अगर आप उनके साथ रहेंगे तो। तो मैं कह तो रहा हूँ मुझे वो आइलैंड से निकाल दें, मैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लूंगा। वो ऐसा भी नहीं कर सकते, समझने की कोशिश करो कौन। ठीक है मिस्टर रेगी, तो मुझे वो बंद करके क्या करेंगे, मैं तो कभी बड़ा भी नहीं हो सकता, मैं खुद के लिए मेहनत कर सकता हूँ। मैं पूरा मौका दिया जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है मिस्टर रेगी, चलिए जल्दी करिए राजकुमार। एक मिनट, मैं अपनी तकदीर खुद से लिख सकता हूँ, खुद बना सकता हूँ। मैं ऊपर गया तो मुझे जेल में डाल देंगे, अगर मैं दौड़ के निकल गया तो मैं जाकर कुछ कर सकता हूँ खुद के लिए, पापा की इज्जत वापस ला सकता हूँ, मैं ही ज्यादा बेहतर रहेगा। राजकुमार जल्दी कीजिए, मुझे माफ कर देना मिस्टर रैगी, मुझे निकलना होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा किया तो आपके बाबा की और ज्यादा बेइज्जती होगी। मुझे निकलना होगा इस बेइज्जत जिंदगी के साथ, मैं ऐसे नहीं रह सकता यहाँ पे, मुझे जाना होगा, खुद को साबित करना होगा, पापा को दिखाना होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हम मुझे मजबूर मत करिए महाराज। ये आपने कैसे किया मिस्टर रैगी? यही मेरी पावर है, अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, चलो। मेरी बात सुनिए मिस्टर रैगी, मैं जेल में जाऊंगा, जेल के बाद मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, ना कुछ कर पाऊंगा, ना कुछ बन पाऊंगा, मैं तो खुद को साबित करना चाहता हूँ, मैं तो ये सिर्फ सबके लिए कर रहा हूँ, अपने कबीले, बाबा के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए। अगर मैं एक दिन के बाद बड़ा नहीं हो पाया, ताकतवर नहीं बन पाया, तो मैं सच कहता हूँ मेरे बाबा के साथ साथ आप लोगों को सबको बदल दिया जाएगा, आप लोग को मार दिया जाएगा। अगर तुम भाग गए और वापस नहीं आए तो फिर भी वो हमें मार देंगे। मरना तो आप लोग का तय है, लेकिन अगर मैंने कुछ करके दिखा दिया तो हम सब अच्छे से रह सकते हैं, और मैं वादा करता हूँ मेरे दोस्त मेरी वीडियोस लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मिस्टर रैगिंग, यकीन कीजिए मुझ पे, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं, अगर तुम खुद को साबित कर सको कि तुम खुद को बदल सकते हो और बड़े हो सकते हो, मैं यहीं पर इंतजार करूँगा, जाओ, नहीं तो मैं लेने तुम्हें आ जाऊँगा। ठीक है मिस्टर रैगिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे निकलना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते मैं बड़ा हो जाऊँ और ताकतवर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, मुझे जाना होगा, दूसरी धरती निकलना होगा, खुद को बड़ा ताकतवर बनाने के लिए। ये कौन सी रियासत या फिर कौन सी धरती है मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, किनारे जाऊँगा तो पता चलेगा। ठीक है, आ गया मैं। हाँ, ये कौन सी जगह है समझ में नहीं आता। ठीक है, आगे जाता हूँ। मैं क्या करूँ मेरे बेटे, मुझे समझ में नहीं आता, अगर छोटे कल तक बड़ा नहीं हो सका तो जो मेरा साम्राज्य सब मेरे हाथ से निकल जाएगा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। परेशान में तो ये छोटी कुछ न कुछ कर लेगा, वो बेवकूफ कभी कुछ नहीं कर पाएगा खुद की जिंदगी में, उसकी वजह से हम सब परेशान होने वाले बच्चे। महाराज की जय हो, महाराज की जय, महाराज सुनिए। अब तुम्हें क्या हुआ डीनो? महाराज अनर्थ हो गया, रैगिंग भैया छोटे भैया को भगा दिन आइलैंड से। ये कैसा मुमकिन हो गया, आजकल तो किसी पे भरोसा करने के लायक नहीं है। रैगिंग को बुलाओ, मैं खुद उसको सजा दूंगा, बुलाओ रैगिंग को।
हो गया महाराज मैं। फ्रैगिंग, मैंने तुम्हें सबसे समझदार और सबसे अच्छा सिपाही समझा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। महाराज मेरे ख्याल से आपको अपने बेटे को वक्त देना चाहिए। महाराज मैंने उसको भगाया नहीं, मैंने सिर्फ उसको टाइम दिया 12 घंटे का। अगर वो कुछ करके दिखा देता है तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुद जाऊंगा और उसको पकड़ कर ले आऊंगा। महाराज देखिए, ये बात नहीं है कि मतलब कि ये 12 घंटा दे दिन अपने से, आपके भी हुक्म कोई तामील वामील होती है, मतलब कोई रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट की तो वाट लगा दी। अब बताओ क्या करियो महाराज, आप इनका देव सजा हो जाते हो कुछ। डायनो किसी का वक्त खराब होता है ना तो तुम जैसे कुत्ते भी भौंकने लगते हैं, लेकिन परेशान मत हो, बस कुछ घंटे की ही बात है। चाहे कुछ भी हो रैगिंग, तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, ले जाओ इसे और फांसी दे दो। ठीक है मारा, ठीक है ले चलो भैया, ले चलो इसको। ठीक है भैया चलो, चलिए सर। ठीक है यही सही, चलो। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर यार, कहाँ मुझे, ये कौन लोग हैं? चलो आ जाओ दोस्तों, चलो। ये फ्रैंकलिन आराम से चलो यार, मैं थक गया फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन रुको यार, रेस एंड चैन, चलो कब तक जान चुराओगे ऐसे तुम। सुनो यार, सुनो मेरे भाई लोग, मेरी मदद करो यार। हाँ कौन है यार? हाँ मेरी मदद करो यार, मैं हूँ। एक मिनट, तुम एक गोरिला, तुम हो क्या यार? हाँ मैं हूँ, मेरी मदद करो यार। अरे यार तू चीज क्या है? वेल मैं दूसरे आइलैंड से आया हूँ, जिस आइलैंड का नाम है स्कल आइलैंड। मेरे वहाँ पिताजी रहते हैं, मेरे पिताजी वहाँ के राजा है, वो बहुत लंबे चौड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं भी बड़ा होना चाहता हूँ। मेरे पास सिर्फ 9 घंटे बचे हुए हैं खुद को बड़ा और ताकतवर बनाने के लिए, क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो? अरे क्या बात कर रहे हो भैया, क्या बात है, कौन सी बात है? अरे यार तुम ऐसे ही पैदा हुए होगे, मतलब इसमें बड़े होने की क्या बात है? और क्या भैया, क्या इतना परेशान हुआ, बहुत ज्यादा तबाही में लग रहा हूँ तुम। ए दोस्त, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, ये हमारी अलग टीम है और हम लोग सुपर हीरोज है। अरे नहीं आगे तुम ये सब नहीं बात करनी थी, समझ गया कि नहीं? ठीक है सुनो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, शायद तुम्हें जाना चाहिए जहाँ से तुम आए हो, शायद तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मैंने सुना है कि यहाँ के लोग मेरी मदद कर सकते हैं। किससे सुना है? वेल है मेरे कुछ दोस्त आइलैंड पे, जिन्होंने मुझे बताया कि तुम उस आइलैंड पे जाओ तो शायद तुम्हारे लोग मदद करेंगे। ये कोई आइलैंड नहीं है, ये शहर है, शहर का नाम लॉस सैंटोस है, और यहाँ पे कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी मदद करो। ठीक है अगर तुम कुछ दे सकते हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। नहीं फ्रैंकलिन, हमारी पावर का क्या होगा? है यार वो तबाही मचा के लिए है पावर, अब एक बार हम खोना नहीं चाहते फ्रैंकलिन, सोच ले तुम। मुझे पता है, लेकिन ये बदले में हमें कुछ देने वाला है। वैसे दोगे क्या तुम? इस तरह देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसी प्रजाति का हूँ जिसे अगर सही ताकत या पावर मिल जाए तो मैं बहुत बड़ा हो सकता हूँ, और शायद तुम्हारे पास कोई ऐसा दुश्मन हो जिसको मैं हरा सकूं। हे फ्रैंकलिन, हम ब्लैक फ्रैंकलिन 3-हेडेड को हरा सकते हैं इसकी मदद से। मुझे भी लगता है ये काम आ सकता है, वैसे भी ब्लैक फ्रैंकलिन ने हमारा जीना हराम कर दिया। हाँ यार बिल्कुल सही कहा, ब्लैक फ्रैंकलिन इतना परेशान करके रखे हम लोग कंपट नहीं खा पा रहे। तुमको सिर्फ कंपट की लगी रहती है पागल, नहीं तो ठीक है पहले हम अपनी पावर तुम्हें दिखा देते हैं, जो जो हमारे पास पावर है, फिर उसके बाद तुम्हें ले चलेंगे वहाँ पर। तुम्हें एक बंदे से लड़ना होगा जिसका नाम है ब्लैक फ्रैंकलिन, बिल्कुल दिखने में ऐसा ही होगा जैसा ये है, लेकिन वो बड़ा है और इसका 3-3 सर है और बहुत ताकतवर भी। तुम्हें उसे हराना होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी, बस मेरे पास अब 8 घंटे बचे हैं, मेरी मदद करो बड़े होने में। देखो हम सबके पास पावर, हम सुपर हीरोज हैं, हमें जो ताकत मिली है वो एक इन्फिनिटी पावर सोर्स है, लेकिन उसको पाने के लिए तुम्हें 3-हेडेड फ्रैंकलिन से लड़ना होगा। उसने कब्जा करके रखा, वो बहुत ताकतवर बन चुका है, बस हम उसे हराना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें पहले अपनी पावर दिखा देते हैं। ठीक है दिखाओ यार, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है तो देखो, मैं तेज भाग सकता हूँ और साथ में उड़ भी सकता हूँ, और दोस्त अगर तुम्हें सच में बताऊँ तो मैं बहुत फास्ट उड़ सकता हूँ। तो उम्मीद है तुम समझ गए होगे मेरे पास कौन सी पावर है। मेरे पास सुपरमैन की पावर है, बाकी तुम लोग दिखा दो अपनी पावर। मेरा नाम वागी है और मेरे पास ये पावर है। हाँ ये देखो, मैं बढ़िया मस्त चाल मार सकता हूँ, देखा ना? और उसके साथ साथ एक मिनट, मैं और एक खतरनाक चीज कर सकता हूँ, दिखा रहा हूँ तुम्हें। और मैं आराम से किसी भी चीज को खा सकता हूँ, देखो इस मछली को मैं खाता हूँ, इतनी बड़ी वेल को। हे ये किया, ये देखा तुमने दोस्त, मेरे पास भी ये पावर है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कॉन्ग है यार, कॉन्ग। बिल्कुल अच्छा लगा कॉन्ग, बाकी अब कौन दिखाना चाहेगा अपनी पावर? अरे हमको दिखाने दो प्लीज, तुम्हारे सामने घोड़ जोड़ ले, मतलब तुम्हारा घोड़ जोड़ ले प्लीज, दिखा लेने दो। ठीक है डायनो, आ जाओ भाई, आ जाओ चलो जल्दी। अरे बाप रे, ब्लैक फ्रैंकलिन आ गया, ब्लैक फ्रैंकलिन भागो सब लोग। नहीं बाप रे, हमें जल्दी करना होगा, इसको मारना होगा ब्लैक फ्रैंकलिन को जितनी जल्दी हो सके। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मुझे मार सकोगे? ठीक है बहुत ताकत इसके पास, ये ले। ब्लैक फ्रैंकलिन इस बार नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। इस बार काफी ताकत तुम लोगों ने बना ली है,
लेकिन याद रखो मैं ब्लैक फ्रैंकलिन हूँ। इस बार हम तुम्हारे सामने हार नहीं मानेंगे ब्लैक फ्रैंकलिन। इस बार हमारे पास वो है जो तुम्हें मार सकता है। हाँ, तेरा आतंक अब खत्म हुआ ब्लैक फ्रैंकलिन। आपके तो रख के तुमको बेलना से समझ लो पापड़ बना देंगे और कपड़े वाली मुंगरी ला के उससे पीट डालेंगे, याद रखना। छन्नी में डाल के छान डालेंगे। मैं क्या बोलूं यार, तुम्हारी हिम्मत देख के मेरे अंदर सुकून मिला। कम से कम तुम लोग लायक तो बन गए कि मुझे तुम हरा सको। लेकिन सच बताओ तो मुझे नहीं लगता। क्यों भाइयो, कौन चाहिएगा, ये क्या रहा पाएंगे हम लोग को। तो ठीक है, अपने तिलस्मी आँख से अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। यार मुझे ये वाला हमला इसका बहुत ही खतरनाक है। चलता हूँ, मुझे टक्कर देंगे। वो हमेशा ऐसे ही आता है और हमें मार के निकल जाता। आखिर ये था क्या चीज, मेरी कमर। अरे तुम बची गए, बहुत बड़ी बात है। ये वाले वार से कोई नहीं बचता, ये गांव के हम लोग सुपर हीरो इसलिए बच गए। अरे यार मुझे धुंधला धुंधला दिखने लगा, वाओ इस ब्लैक फ्रैंकलिन का कुछ ना कुछ करना होगा यार। ये हमें हमेशा ऐसे ही मार के निकल जाता है। ये हमसे ऐसे ऐसे ही टॉर्चर करता है। कुछ भी हो जाए हमें इसे पावर दिलाना ही होगा, यही उसे हरा सकता है। हम में से कोई नहीं हरा सकता फ्रैंकलिन, समझ रहे हो ना। मैं समझ गया मुझे क्या करना होगा। हमें इसे ले चलना होगा इन्फिनिटी पावर सोर्स तक। तो ठीक है, सब लोग ठीक है ना, तुम ठीक हो ना। हाँ मैं भी ठीक हूँ। तो एक काम करते, मैं चलना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे ले चलो। अब तो मेरे पास सिर्फ 6 घंटे बचे हुए हैं, नहीं तो वो आ जाएंगे मुझे पकड़ ले जाएंगे। तो ठीक है चलो निकलते यहाँ से। तो मेरे साथ ही रहना, आ जाओ कॉन्ग, जल्दी करो। हम जितनी जल्दी वहाँ पहुँचेंगे हमारा काम उतनी जल्दी होगा। कॉन्ग मेरे साथ आ जाओ। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। मैं पीछे बैठ गया। अरे वाली सीट हमारे आगे वाली टायर, टायर तुम मत जाना। चल चुप करना, पीछे बैठ। अरे यार हमारा सीट ले लेन फिर दोबारा, हमारा गुस्सा चढ़ जाता है। अरे जाने दो यार डायनो, हम लोग तो सिर्फ लटके हुए हैं। अरे तो तुम लोग लटके तुम कहा करे, चलो चलो चलो। तो ठीक है, कसके पकड़ लो, मुड़ने जा रहे। पकड़े चलो चलो चलो, तैयार हो जाओ। अरे कैसे लड़ा रहे हो, सही से चलाओ यार। अरे ये हो क्या रहा है, लगता है कार पगला गई है। अबे उतरो इसमें से। क्या सब ठीक है? अरे जान से मार डालो, बोलो ठीक है कार, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार, तुम लोग मुझे क्यों नहीं ले चल रहे हो, ये हुआ क्या कार को। हमें उड़ के चलना होगा, आ जाओ मेरे पीठ पे, हमारे पास वक्त नहीं है और वो कार पूरी तरह से पागल हो गई है। आ जाओ मेरे पीठ पे, और बाकी तुम लोग सब मेरे पीछे उड़ कर आओ। ठीक है ठीक है ठीक है, इसे बोलो ना उड़ के भी चलते, आराम से हो जाता काम। तो ठीक है, पकड़ लिया ना तुमने? हाँ पकड़े चलो। ये कैसे कर रहे हो तुम? अबे भाई उसको देखो कैसे पकड़े। अरे जैसे पकड़े कम से कम पकड़े तो है ना, हमको कोई रस्सी नहीं दिख रही। तुम कौन भैया, कैसे पकड़े हो तुम? बहुत हो गई पकड़े थी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ, हम लोग आते तुम्हारे पीछे नहीं, जल्दी आओ। ठीक है, तो ये बताओ तुम्हारे पिताजी मतलब क्या चाहते हैं तुमसे? बस वो यही चाहते हैं कि मैं बड़ा हो जाऊं और उनका नाम रोशन करूं। मेरा मतलब है कि हमारे आइलैंड पे जो बड़ा नहीं होता उसको निकाल दिया जाता है। अच्छा तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, तुम बड़े हो जाओगे, बस वो इन्फिनिटी पावर सोर्स हमको मिल जाए तो। लेकिन उसको मिलना इतना आसान नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यार वो ऐसी एक जगह पर है जहाँ पर इसके वो ब्लैक फ्रैंकलिन पहरेदारी करता है और मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर मिल गई तो तुम बड़े हो जाओगे, हमारा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। हमारा बहुत शुक्रिया यार फ्रैंकलिन। कोई बात नहीं दोस्त, दोस्त के काम आता है। ठीक है चलते हैं। कहाँ है? ठीक है बस हम पहुंच ही गए, तुम परेशान मत होना। मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, बस जल्दी पहुंचाओ। हाँ बस कहाँ, यहीं पे था। हाँ ये रहा, वो देखो, देख रहे हो ना? हाँ देख रहा हूँ यार, उसके बगल में कौन खड़ा है? उसके बगल में चॉप है, पहले वो कभी मेरा कुत्ता हुआ करता था लेकिन उसने उसको बदल दिया। देख रहे हो वो आधा बड़ी भयंकर शरीर में और आधा चॉप है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है, उसे मैं वापस लेकर आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बस तुम मेरी मदद करना। हाँ ठीक है, लेकिन वो पावर सोर्स किसके अंदर है? वहाँ पे तुम्हें नीचे दिख रहा है ना वो जो झोपड़ी जिसपे वो बैठा हुआ है, उसी के अंदर है। अगर तुम कामयाब हो गए समझो हम सबकी जीत होगी। ठीक है तो नीचे चलो। ठीक है अब तुम मेरी पीठ से नीचे आ जाओ। ठीक है आता हूँ। तुम लोग आ गए? आ गए, तुमसे पहले आ गए हम लोग। हाँ पता है तुम लोग आ जाते हो। तो ठीक है फ्रैंकलिन आगे क्या है? आगे मिसी को भेजेंगे। ठीक है तुमको जाना है झोपड़ी के अंदर, किसी तरह घुस जाना है, वो जान ना पाए नहीं तो तुम्हें खत्म कर देंगे। ठीक है मैं समझ गया। तो मेरे पीठ से नीचे उतरोगे ना?
हाँ उतरता हूँ तो ठीक है, मैं जाता हूँ। आराम से जाओ कॉन्ग भैया, नहीं तो दिल के दर्द दर्द ही हो जाएंगे। कभी बोल ना पाओगे, वो तुमको खत्म कर देगा। हाँ मैं समझ गया। तो जाओ ना यार, इंतजार किसके कर रहे हो? ठीक है मैं जा रहा हूँ। चलो जीत तुम्हारी हो गई। ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, काश मैं इन्फिनिटी पावर से उसके अंदर से निकाल सकूं और बड़ा हो सकूं, और मैं अपने बाबा को जाकर दिखा सकूं कि मैं एक ताकत पावरफुल गोरिल्ला हूं, कॉन्ग हूं, मैं किंग भी बन सकता हूं, बाबा की मैं जगह ले सकता हूं। एक मिनट, हाँ बस मुझे देख ना पाए। ए डायनो सुनो। हाँ बोलो बोलो। तुम और सिंचैन, तुम क्या हुए फ्रैंकलिन? तुम दोनों जाओ, जॉब को डिस्ट्रैक्ट करो, ठीक है? नहीं तो वो अकेले नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहूंगा किसी और के भेजे। हम जाएंगे, हम ताकतवर एक नंबर के, हम बहुत ही मतलब। अरे छोड़ो यार, आगे तुम जाओगे ठीक है, सिंचैन के दर पर। सिंचैन बिल्कुल एक नंबर के डरपोक रहोगे हमेशा तुम। अच्छा ठीक है, मैं ही जाता हूँ। हाँ जाओ यार, बेइज्जती मत करो, जाओ जल्दी करो, डिस्ट्रैक्ट करो जॉब को। ठीक है समझ गए, चलो डायने चलते हैं। चलो चलो भैया, चलो तुम्हारा पीछे पीछे मार है, चलो। ठीक है जल्दी, मैं क्या करता हूँ, जॉब को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, बस मैं मरना नहीं चाहता, अगर मरा तो काम खत्म। ठीक है आ जाओ डायनो मेरे भाई। आ गए तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। भैया बताओ क्या करना है। डायनो तुम एक काम करो, चॉप के सामने जाओ, चॉप को थोड़ा सा चिढ़ा दो। क्या करते हैं? ए चॉप सुनो, ए चॉप देखो इधर, हम लूली 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 लूली, चॉप सुनो देखो। अबे पागल रुक जा, ईटा उठा के मारा तो रुक, मुर्गी उठा के मारते हूँ। कौन है बेवकूफ? हम तुम्हारी इसने बेइज्जती करी, चॉप पकड़ो इसको। अभी बताता हूँ, रुक जा रुक। उली लुली लुली पकड़ के दिखाओ। तुझके मैं छोड़ूंगा नहीं डाइनो, रुक जा। तो पकड़ के दिखाओ ना बेवकूफ चॉप। जरूर वो लोग आस पास कहीं होंगे, देखता हूँ मैं। ये कहाँ हो, कहाँ हो? बहुत सही, उन लोगों ने मेरी मदद करी, बहुत सही। जल्दी क्या करता हूँ, अंदर बस घुसता हूँ और पावर सोर्स निकालता हूँ और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता हूँ, अभी जल्दी से बड़ा हो जाता हूँ। ठीक है। हाँ, जल्दी कहूँ तुम कर सकते हो। ठीक है ये आया, घुसता हूँ इसके अंदर। अरे वाह यार, ये सारे इन्फिनिटी पावर सोर्स, इनको ठीक है, इनको मैं जल्दी लेता हूँ। तो ठीक है हमला करो इस पर। अबे फिर मैर खी हो गए? नहीं ये आखिरी लड़ाई है, ठीक है जल्दी करो। हाँ अरे यार मैं तो बड़ा बन गया, इसने पावर सोर्स की ताकत ले ली। अरे वाह, मैं तो अपने बाबा की तरह हो गया, बड़ा और ताकतवर। ठीक है अब इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये लोग फ्रैंकलिन को मार रहे हैं। हाँ ठीक है, रुको ब्लैक फ्रैंकलिन, बस करो, ये लो मेरे दोस्त को बंद करो मारना। फ्रैंकलिन इसको मैं मारता हूँ, चॉप बहुत ताकतवर है। नहीं मैं हरा दूंगा, कुछ भी हो जाए। ये ले चॉप, ये ले, ये ले। आ गया, अब बस ब्लैक फ्रैंकलिन बचा। ये ले ब्लैक फ्रैंकलिन, अब मार के मुझे दिखा, अब तू मेरे दोस्तों को नहीं मार सकता। ये ले, तुम हमारे बीच में मत आओ। ये ले, बीच में क्या, हर जगह आऊंगा, मेरे दोस्तों को बस मारना बंद कर। ये ले, बस बात हो गया तुम्हारा अब। ये ले, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो ठीक है अब मैं तुझे अपने तिलस्मी आंखों का कमाल दिखाता हूँ, रुक जा बंदर। ये ले, तू मुझे रहेगा, कहाँ गया, चला जा। ये ले, कहाँ गया बंदर। मुझसे मिलने आया था, ब्लैक फ्रैंकलिन को मारेगा। तुझे क्या लगा कल के बंदर, तू मुझे हरा सकेगा? प्लीज आप लोगों ने अगर अब भी लाइक नहीं करी वीडियो को तो कर दो, अब सिर्फ आपकी वीडियो का लाइक ही मुझे बचा सकते हैं। ओ नहीं, इसने इसको भी मार दिया, मुझे यकीन नहीं होता। ठीक है आखिरी बार मुझे इसे जिंदा करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाए। बस बहुत हो गया। हे हाँ, तो फिर जिंदा हो गया। हाँ तो मुझे कैसे वापस से हरा सकता है? अभी मैं बताता हूँ, छोड़ मुझे। हाँ मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे दोस्तों को छूने का अंजाम क्या होता है। छोड़ मुझे, ना ये ले
जा, ये ले, उम्मीद है कि तेरा खेल खत्म हो गया होगा। मैं जाके फ्रैंकलिन को वापस उठाता हूँ। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन कहाँ गए तुम दोस्त? हाँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। फ्रैंकलिन कहाँ हो तुम? फ्रैंकलिन, मैं आऊँ कॉन्ग। हाँ, तुम बड़े हो गए दोस्त, बड़े हो गए। कैसे हो तुम? मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उसको हरा दिया, ब्लैक फ्रैंकलिन को। हाँ, हमने देखा तुमने हरा दिया। अब जाओ अपने घर, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। हाँ यार, दोबारा आकर मिलेंगे। वाओ, जाओ पहले अपने घर। वाओ, अरे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा भाई। दोबारा जरूर आना, हम लोग के घर भी मिल लियो एक बार यार भाई। रोना आ रहा है। जाओ दोस्त, जाओ जल्दी जाओ अपने घर। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फ्रैंकलिन, बहुत शुक्रिया मदद के लिए। मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं फिर वापस आऊंगा। बहुत शुक्रिया तुम लोग का, बहुत। ठीक है, अब मैं जल्दी घर जाता हूँ। बाबा को दिखाना होगा कि मैं पड़ा हो गया। शायद बाबा का राजपाट ना खत्म हो। ठीक है, आ रहा हूँ बाबा, मैं आ रहा हूँ। बाबा कहाँ हैं आप? बाबा, बाबा कहाँ हैं? भाई, भाई, बाबा कहाँ आप लोग हैं? ये रहे ये लोग। बाबा मैं आ गया बाबा मैं। कौन तू? तू तो इतना बड़ा हो गया, कैसे रे? कहाँ था तू? कौन मेरे बेटे, कहाँ थे तुम? और तुम इतने बड़े, तुम तो मेरे जितने हो गए बेटा। भाई भाई, तुम तो बड़े हो गए भाई। हाँ, मैं मदद लेने गया था बाबा, मैंने दिखा दिया आपको कि मैं बड़ा हो सकता हूँ। बाबा बाबा, हम कहीं अब बाहर नहीं जाने वाले, ना मुझे कोई बाहर निकाल सकते, ना हमको कोई बाहर निकाल सकते है। बाबा, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तुम्हें बाहर निकाल सकता बेटा। बस बात ये थी कि ये रूल मैंने ही बनाया है, लेकिन ये नियम सही नहीं है। अगर कोई बड़ा है अभी ताकतवर ना देखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लायक तार नहीं है। आज से ये नियम मैं खत्म करता हूँ। एक राजा जो इस नियम को खत्म करता है। अरे किंग कॉन्ग भैया, क्या कर रहे हैं आप? अरे ऐसा ऐसा आप कर देंगे तो साले अरे गहरे नत्थु खैरे ही आइलैंड पे आने लगेंगे। तो क्या हुआ? आने दो, अरे गहरे कोई भी नहीं है, जिन्होंने मेरे बेटे की मदद की। बेटे तुम्हारी किसने मदद की क्या बार? हाँ बाबा, बहुत अच्छे लोग थे वो। फिर दोबारा जाऊंगा उनसे मैं मिलने। जरूर लेकर आना उनको, हमें भी दिखाना कि कैसे लोग है वो। बेटे तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, तुम खुद को अपने आप को साबित कर दिए। मेरा भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। तुम्हारा भाई बहुत ताकतवर है। हाँ मैं भी मान गई रे, ये बहुत ताकतवर और बहुत ही बुद्धिमान है। ठीक है दोस्तों, सब कुछ सही हो चुका है। बस आपके लाइक और फ्रैंकलिन लोग की मदद की वजह से हमें वापस लॉस सैंटोस जाऊंगा और फ्रैंकलिन लोग को यहाँ पर लेकर आऊंगा और उनको अपना जंगल दिखाऊंगा पूरा आइलैंड के साथ। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऐसी वीडियोस आप देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। गुड बाय।